कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो है 5 मिनट में आपको किसी भी ड्राइंग की आउटलाइन बनाना सिखाने वाली हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करते हो, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे बताइएगा, मैं जो है आगे वीडियो बता दूँगी। आज मैं ये वाला गणेश जी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें अपनी ड्राइंग कितनी बड़ी बनानी है। तो मैंने ये एक रफ सा मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने एक रफ आइडिया लगा लिया है कि मेरी जो ड्राइंग है वो मैं 22 सेंटीमीटर के लगभग करने वाले हूँ। एक रफ मार्किंग कर लेंगे कि कितने में मुकुट मैं बनाऊंगी, कितने में जो है इनका मुंह आएगा। मैं एक रफ मार्किंग कर लेती हूँ। अब मैंने जो मार्किंग की है, सबसे पहले मैंने जो मुंह के लिए इनकी मार्किंग की है उसको मैं स्केल से नाप लूंगी। ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मैं इस इमेज में इनके फेस को 4 सेंटीमीटर पे सेट कर दूंगी। फेस को 4 सेंटीमीटर पे सेट करने के बाद मैं चेक करूंगी कि मुकुट इनका कितने पे आ रहा है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर पे इनके मुकुट के लिए मार्किंग कर लूंगी। इनके फेस से पैर की मार्किंग कितनी है वो चेक करके मैं पैर के लिए भी कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहां पे भी एक मार्क लगा दूंगी। एक लेग जो है इनका कहाँ पे खत्म हो रहा है, कितने सेंटीमीटर पे, वो मार्क लगा दूंगी। 4.5 का एक लेग है इनका। फिर मैं दूसरे पैर जहाँ पे मैंने मार्किंग लगाई है वहां से मैं नाप लूंगी कि दूसरा पैर कहाँ तक आ रहा है। तो ये 6 सेंटीमीटर तक आ रहा है, तो वहां भी एक मार्क लगा लूंगी। अब मैं सारे मार्क को एकदम लाइट हैंड से एक लाइन के थ्रू मिला दूंगी। अब मैं गणेश जी का फेस की चौड़ाई नाप लूंगी कि ये कितने सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये 4 सेंटीमीटर इनके फेस की चौड़ाई भी है। तो मैं अब 4 सेंटीमीटर पे इनके फेस की जहाँ मार्किंग की है वहाँ बीच में 4 सेंटीमीटर के लिए मार्क लगा दूंगी। 2 सेंटीमीटर लेफ्ट, 2 सेंटीमीटर राइट। अब फिर से फोम पे जो है फेस को 4 सेंटीमीटर सेट करके मैं ये चेक करूंगी कि आईज इनकी कितने सेंटीमीटर नीचे है। तो अब मैं आईज के लिए मार्क लगा दूंगी कि अब मुझे आईज जो है इस यहीं पर बनानी है। अब मैं इनकी आईज की भी लंबाई देख रही हूँ। 5 सेंटीमीटर से शुरू है 1.5 तक, मतलब 1 सेंटीमीटर की इनकी 1 आई है। तो मैं वो मार्क कर दूंगी। वन आई जो है मार्क करने के बाद दूसरी आई जो है 1.6 सेंटीमीटर पे है। तो वहाँ भी मैं मार्क लगा दूंगी कि दूसरी आईज मुझे 1.6 सेंटीमीटर के बाद बनानी है। तो वहाँ भी मैंने मार्किंग कर ली। मार्किंग मेरी पूरी हो चुकी है। अब फटाफट ड्राइंग करते हैं। जिस हिसाब से मैंने मार्किंग की है आईज की, फेस कितना लंबा होगा, पैर तक कहाँ तक होगा, मैं जल्दी जल्दी से अब जो है ड्राइंग पूरी करती हूँ।
देखा कितनी जल्दी मेरी ड्राइंग बनके तैयार हो गई। मैंने इनके मुकुट पे और इनके ज्वेलरी पे डिटेलिंग नहीं की है क्योंकि मुझे कलर करना है। अगर आपको स्केच करना है तो आप यहाँ पे डिटेलिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।